त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा के मंत्री के गांव में निर्विरोध और जिलाध्यक्ष के गांव में बहिष्कार। बोलेगांव और सिरे गांव में मतदाताओं ने नहीं जमा किया कोई नामांकन। आसपास की 3 पंचायतों से भी बहिष्कार की अटकलें। 10 को वापिस ले सकते हैं नामांकन फॉर्म। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बालाघाट जिले में जहां एक ओर निर्विरोध निर्वाचन की एक नई परिपाटी तैयार हो रही है, वहीं दूसरी ओर बहिष्कार किया जा रहा है। भाजपा के मंत्री रामकिशोर नानोकावरे के गांव में पूर्ण निर्विरोध निर्वाचित तो वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे के गांव बोलेगांव तथा उसी से लगी ग्राम पंचायत सिरे गांव में चुनाव के पूर्ण बहिष्कार ने जिले के भाजपाइयों की राजनीति में उथल पुथल मचा रखी है। साथ ही किरनापुर लांजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की नींद उड़ा रख दी है, क्योंकि इसका असर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि लांजी किरनापुर के पूर्व विधायक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे के ग्राम बोलेगांव तथा इससे लगी ग्राम पंचायत सिरे गांव में से भी सरपंच उप सरपंच तथा पंच पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन जमा नहीं किया। हालांकि यहां के पूर्व सरपंच तथा मतदाता खुलकर इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव नहीं लड़ने का कारण खेतीबाड़ी का समय बता रहे हैं तो कोई और वजह बता रहे हैं। इस चुनावी बहिष्कार के बाद पर टाल मटोल कर रहे हैं। बोलेगांव में चुनाव के टोटल बहिष्कार का कारण डबल मनी मामले में बिना कोई शिकायत की गई कार्रवाई मानी जा रही है। यह भी अटकलें हैं कि इसी तरह से यहां की अन्य 3 ग्राम पंचायतों से भी अपना नामांकन वापस लेने की चर्चाएं हो रही है। जिले की राजनीति गलियारों से लेकर चौक चौराहे तक यही चर्चा है कि ग्रामीणों ने इस चुनाव का बहिष्कार आखिर क्यों किया है। इस मामले में छन कर जो खबरें आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता इस समय पिछले दिनों राशि डबल करने वाले शोभेंद्र गंकराय ने, हेमराज अमाडारे, अजय तिड़के सहित 11 आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी, जो अभी भी जेल में है और उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। इसी से काफी नाराज है और बिना कुछ बोले यहां के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बोलेगांव पूर्व विधायक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे का गृह ग्राम है, जहां वे निवास करते हैं तथा यहीं से वे अपनी राजनीतिक, सामाजिक और चुनावी गतिविधियों का निष्पाद करते हैं। हालांकि इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने चुप्पी साध ली है और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। चुनावी मद्देनजर देखा जाए तो हर ग्राम पंचायत में पक्ष विपक्ष के मतदाता और नेता रहते हैं। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत बोलेगांव और सिरे गांव में किसी भी सदस्य द्वारा नामांकन जमा नहीं किए जाने के निर्णय को अघोषित तौर पर चुनाव बहिष्कार के रूप में देखा जा सकता है। रकम डबल करने देने के मामले में 11 आरोपी में से एक अजय तिड़के भी शामिल हैं, जो इस समय न्यायिक रिमांड पर जेल बालाघाट जेल में बंद है। अजय तिड़के की ग्राम पंचायत जामड़ी मेटा है, जहां से उन्होंने सरपंच पद के लिए नामांकन दर्ज किया है। वहीं उनकी पत्नी लक्ष्मी तिड़के भी इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी है। इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में लांजी किरनापुर क्षेत्र एक बार फिर चुनावी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां चुनावी जनसंपर्क हलचल नहीं बल्कि सन्नाटा नजर आ रहा है। राजकुमार रामचंद बापुरे बोलेगांव कि हम लोग तो इंटरेस्ट नहीं लेते चुनाव में पहले से ही। अब ये सरपंच पद के लिए लड़ने वाले कुछ लोग पारिवारिक परेशानी में भी हैं। जैसे पूर्व सरपंच ने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, पिछले वर्ष उनको कोरोना भी हो गया था, वो तब से उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है। और हम लोग तो खैर चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेते और हमारा यही मानना है कि लोग भी कह रहे थे कि अभी बुवाई का समय है, जिस समय में मतदान का समय रहेगा उस समय में रोपाई का समय रहेगा, इसके वजह से चुनाव में भाग नहीं लेते, ऐसे बोले है ना। विकास तो हमारे गांव में बढ़िया, पानी टंकी भी बना है, सीसी रोड मोहल्ले मोहल्ले में बन चुका है, विकास भी कोई मुद्दा नहीं है, विकास हुआ है अपने गांव का,
अब लोगों की मानसिकता नहीं बनी चुनाव नहीं लड़ना है करके, अब खेती बाड़ी को लेकर के सुना गया कि खेती बाड़ी का समय है, अभी चुनाव में भाग नहीं लेते। राजकुमार खेमचंद बापूर है। क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया गया? अब वो तो कारण ये है, अपनी मानसिकता बताऊँगा मैं, क्या है घर में परिस्थिति ठीक नहीं है, पर एक तो महिला सीट है, महिला सीट होने के नाते मेरे यहाँ पत्नी की पैर में प्रॉब्लम आ गया है और लड़का जेल में है, तो शुरू से ही मानसिकता बन गया था कि अपने को चुनाव नहीं लड़ना है। पूर्व में आप सरपंच भी रहे हैं, तो क्या यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य को नहीं, विकास वगैरह हुआ है? विकास तो हुआ है, विकास में ऐसा कुछ नहीं है। आप पारिवारिक परेशानियों से परेशान होने? हाँ, पारिवारिक परेशानी के कारण। बाकी ग्रामीणों को क्या? नहीं, ग्रामीणों का ऐसा कुछ नहीं, खेती बाड़ी का समय है, मानसून आया हुआ है, अभी क्या बोनी का समय आ गया, फिर जिस समय चुनाव होगा उस समय रोपाई का कार्य चालू होगा, तो इस परिस्थिति को देखते हुए भी चुनाव नहीं लड़ना है, ये सब लोगों ने मानसिकता बना ली। यही वजह है बस, इस और कोई दूसरा वजह नहीं है। और आमा डारे और सोमेंद्र का इस चुनाव बहिष्कार से कोई दूर दूर तक के संबंध नहीं है। भाई ओम प्रकाश बापूरे, भोलेगांव का निवासी हूँ, मेरा ग्राम पंचायत भोलेगांव पड़ता है। क्या कारण है जिसकी वजह से पंचायत जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रही है? मेरा मानना ऐसा है कि अभी कृषि का समय आ चुका है और हमारे गांव में लगभग 1 जुलाई या 25 जून से जुलाई के बीच में पहले सप्ताह में रोपाई का कार्य चालू हो जाएगा, और इसी वजह से हो सकता है कि अब लोग फार्म भरना नहीं चाह रहे होंगे। जिस तरह से ये बहिष्कार किया गया, क्या इसकी कोई बैठक गांव के सभी लोगों ने मिलकर की थी? नहीं, इसकी कोई बैठक नहीं हुई है और न ही इसकी पहले से कोई रूपरेखा तैयार की गई थी। फिर अचानक से ये निर्णय किस तौर पर आप देखते हैं? अचानक अब पता नहीं, अब मैंने तो आज तक कोई किसी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं किया पंचायत के कोई भी पद के लिए, ना चुनाव लड़ा हूँ और ना कोई। जनरली देखा जाता है कि जहाँ विकास नहीं होता है उस बात को लेकर सड़क बिजली पानी इस सब चीज़ों से त्रस्त होती है जनता, तब जाकर ये बहिष्कार की कंडीशन आती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे दृष्टि में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, विकास तो हो ही रहा है। इसके बाद भी बहिष्कार, इसलिए मैं अपना यानी ये अंदाज लगा रहा हूँ कि कृषि के काम, बस मेन पॉइंट ये है कि कृषि के कारण ही लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। फिलहाल इतना ही, आगे जानकारी मिलते ही बालाघाट खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी इतना ही, आगे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बालाघाट खबर। खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।